गेटमैन भारतीय रेल की एक जिम्मेदार और चौकस पहरेदार होता है, जो कि हर वक्त रेल ट्रैफिक और पब्लिक की सुरक्षा का ख्याल रखता है। इन्हें ड्यूटी करते समय तरह तरह की जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं असामान्य स्थितियों में गेटमैन के कर्तव्य। लेवल क्रॉसिंग गेट के ऊपर या उसके नजदीक कोई ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि अवरोध होना, जैसे कि पेड़ गिरना, कोई कोच या वागन डीरेल हो जाना, रोड वाहन द्वारा अवरोध प्राप्त होना या बैरियर टूट के गेट को अवरुद्ध करना, हाइट गेज या ओएच द्वारा बाधा प्राप्त होना या किसी अन्य कारण से गेट अवरुद्ध होने पर गेटमैन पहले उसे हटाने की कोशिश करे। अगर नहीं हटता तो फिर लीवर या स्विच द्वारा सिग्नल को डेंजर करे, फिर तुरंत स्टेशन मास्टर या केबिन मैन को पीएन के साथ सूचित करें। स्टेशन मास्टर या केबिन से अगर संपर्क नहीं होता तो ना घबराए और तुरंत गेट प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा का प्रक्रिया शुरू कर दे। सिंगल लाइन, डबल लाइन, मल्टीपल लाइन या पैरेलल सिंगल लाइन सेक्शन में जिस लाइन और जिस ओर से गाड़ी आने की संभावना ज्यादा है, पहले उस तरफ 5 मीटर की दूरी पर बैनर फ्लैग लगाए। फिर ऑब्स्ट्रक्शन की दूसरी तरफ 5 मीटर की दूरी पर और एक बैनर फ्लैग लगाए। अब हो सके तो गेट को बंद करें। फिर जिस तरफ से गाड़ी आने की संभावना ज्यादा है, पहले उस तरफ तुरंत डेंजर हैंड सिग्नल दिखाते हुए ब्रॉड गेज में 600 मीटर पर यानी कि वहां के किलोमीटर पोस्ट के हिसाब से या फिर लगभग 8 या 9 इलेक्ट्रिक खंभे के बाद एक डेटोनेटर लगाएं। ध्यान दें, डेटोनेटर लगाते समय डेटोनेटर इंडिकेटर मार्क यानी कि पटाखा सूचक बिंदु का सत उपयोग करें। फिर 1200 मीटर में दूसरा पटाखा लगाएं। उसके बाद 1210 मीटर में यानी कि 1200 मीटर में लगाया गया दूसरा डेटोनेटर से लगभग 17 स्लीपर के बाद तीसरा डेटोनेटर लगाएं। और फिर वहां से 17 स्लीपर के बाद यानी कि 1220 मीटर में चौथा पटाखा लगाएं। अब वापस गेट को आते वक्त 600 मीटर में बंधा हुआ डेटोनेटर को उठा दें। फिर इस प्रकार से दूसरे लाइन में भी डेटोनेटर लगाने के बाद लौट के आए और स्थानीय रूप से उपलब्ध सहायता को जुटा के बाधा को दूर करने की कोशिश करें और चौकन्ना रहें। याद रहे, अगर ये स्थिति रात में हो तो बैनर फ्लैग की जगह पर लाल एलईडी फ्लैशर टॉर्च का इस्तेमाल करें। याद रहे, ऑटोमेटिक सेक्शन में ऐसी स्थिति होने पर अगर बगल वाला लाइन बाधित हुआ हो तो
सबसे पहले ब्रॉड गेज में उसी लाइन पर 600, 1200, 1210 और 1220 मीटर में पटाखा लगाने के बाद बाधित लाइन पर ट्रेन से 90 मीटर यानी कि डेढ़ इलेक्ट्रिक खंबे के बाद या फिर करीबन 150 स्लीपर के बाद एक पटाखा लगाएं। फिर 180 मीटर यानी कि फिर से डेढ़ इलेक्ट्रिक खंबे के बाद या फिर करीबन 150 स्लीपर के बाद दूसरा पटाखा लगाएं और फिर 190 मीटर यानी कि दूसरा पटाखे से लगभग 17 स्लीपर के बाद तीसरा पटाखा लगाएं। ध्यान दें, पटाखा लगाने की प्रक्रिया के दौरान अगर कोई गाड़ी आ जाता है तो जहां तक हो सके एक डेटोनेटर लगा के डेंजर हैंड सिग्नल दिखा के गाड़ी को रोकने की कोशिश करें। गेट बूम या बैरियर अगर किसी कारण से खराब हो जाता है या रोड वाहन द्वारा डैमेज होने पर रोड वाहन का नंबर तथा अन्य विवरण को नोट करें। जिन गेट्स में इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम का प्रावधान है उसकी प्रयोग करें। जहां इमरजेंसी स्लाइडिंग बूम का प्रावधान नहीं है उन गेट में पहले एक तरफ स्टॉप बोर्ड लगाएं, फिर गेट के दूसरी तरफ स्टॉप बोर्ड लगाएं। अब उसी छोर में सेफ्टी चेन लगाएं और उसे पेडलॉक करें। फिर दूसरे छोर में सेफ्टी चेन लगाएं। अब उसे भी पेडलॉक करें। उसके बाद स्टेशन मास्टर या केबिन मैन को खबर करें और उनके साथ पीएन एक्सचेंज करें। जब तक गेट बूम फिर से तैयार नहीं हो जाता तब तक स्टॉप बोर्ड और चेन की सहायता लें और ग्रीन हैंड सिग्नल दिखा के गाड़ियों को पास करें। याद रहे, अगर कभी गेट अवरुद्ध भी हो जाता है और साथ में बूम भी टूट जाता है तो ऐसी परिस्थिति में गेटमैन को डिमांड ऑफ द सर्कमस्टेंस यानी कि परिस्थिति के मांग के हिसाब से कदम उठाना चाहिए। ट्रेन पार्ट होने पर गेटमैन को इशारे के माध्यम से और हाव भाव दिखा के तथा शोर मचाकर ड्राइवर और गार्ड का ध्यान आकर्षण करना है। अगर गार्ड और ड्राइवर से कोई जवाब नहीं मिलता तो स्टेशन मास्टर को पीएन के साथ तुरंत सूचित करें। याद रहे, ट्रेन पार्ट होने पर गार्ड दिन में हरी झंडी ऊपर नीचे करता है। और रात में सफेद लाइट ऊपर नीचे करके पार्टिंग का संकेत देता है। ध्यान दे, ट्रेन पार्टिंग होने पर गेटमैन कभी भी डेंजर सिग्नल ना दिखाए। ट्रेन पास करते समय दिन और रात हर वक्त जागृत रहे और गाड़ी में अगर कोई अनियमितता हो तो डेंजर सिग्नल दिखाएं। गाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग, हैंगिंग पार्ट, फ्लैट टायर, अनयूजुअल साउंड, लोड शिफ्टिंग, फायर या हॉट एक्सल आदि हो तो तुरंत डेंजर हैंड सिग्नल दिखाएं। इसके साथ स्टेशन मास्टर या गैंगमेट या फिर PWI आदि को सूचित करें।
गेट सिग्नल या गेट के साथ जुड़ा हुआ स्टेशन का होम सिग्नल अगर ग्रीन या येलो स्थिति में खराब हो जाए, तो खराब सिग्नल से 90 मीटर की दूरी पर एक डेटोनेटर लगाएं। फिर स्टेशन मास्टर को सूचित करें। रात के वक्त में सिग्नल आर्म में ग्रीन ग्लास हो तो उसे तोड़ दें। इस स्थिति में सिग्नल ठीक होने तक हेड सिग्नल दिखा के गाड़ी पास करें। अगर गेट चाबी नहीं निकलता है तो फिर स्टेशन मास्टर को पीएन के साथ सूचित करें। अगर इमरजेंसी की का प्रावधान है तो उसे इस्तेमाल करें। रेक्टिफिकेशन होने तक गेट को नॉन इंटरलॉक वर्किंग के हिसाब से चलाएं। ऑपरेटिंग गेट में एलबीसीडी फेल होने पर गेटमैन एलवी या टेल लैंप देखने के बाद ही स्टेशन मास्टर को पीएन प्रदान करें। नॉन इंटरलॉक गेट खुला होने पर लाइन के ऊपर बैनर फ्लैग लगाना ना भूलें। हमेशा अपने गेट के व्हील फ्लेंज की चैनल को साफ रखें। ड्यूटी शुरू करने से पहले बूम लॉकिंग को चेक करें, लॉक ठीक होना सुनिश्चित करें। अगर बूम लॉक नहीं होता तो छोटा चेन के माध्यम से उसे सिक्योर करें। विशेष सूचना, ये शॉर्ट एजुकेशनल फिल्म बदलते तकनीकी, विषय की विशालता, समय की पाबंदी और ईस्ट कोस्ट रेलवे में प्रचलित G&SR, मैनुअल्स, SRR, ZRR तथा सर्कुलर्स आदि को ध्यान में रखते हुए एक एजुकेशनल सप्लीमेंट के तौर पे बनाया गया है। अगर कहीं बताए गए विषयों के संदर्भ में कुछ अलग प्रावधान है या कुछ अलग प्रक्रिया अपनाया जाता है तो उसे जरूर फॉलो करें। इस फिल्म की लेटेस्ट एमेंडेड वर्जन के लिए हमें संपर्क करें। इसके अतिरिक्त आप अपना कीमती सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।